सेठ विद्या मंदिर शाळेमध्ये विज्ञान प्रदर्शन उत्साहात. 1987 स्थापन झालेल्या सेठ विद्या मंदिर स्कूल वसई पूर्व या शाळेच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त नुकतेच विज्ञान प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलं होतं. 1987 साली स्थापन झालेल्या सेठ विद्या मंदिर स्कूल वसई या शाळेच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त नुकतेच विज्ञान प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. सेठ विद्या मंदिर स्कूल CBSE SSC व HSC या सर्वचे विद्यार्थी, परिचारिका, CBSE बोर्डचे कीर्ती जस व अंशू शर्मा यांच्या वतीने व सहकार्याने आयोजित या प्रदर्शनात वसई तालुक्यातील वाहतूक कोंडी, ऊर्जा समस्या व व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण, सांडपाणी निचरा अशा विविध विषयांवर 1000 लक्षवेधी विज्ञान प्रयोग सादर केलेल्या या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपविभागीय पोलीस अधीक्षक अमोल मांडवे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य कीर्ती जस, अंशू शर्मा, सेठ विद्या मंदिर शाळेचे विश्वस्त प्रीती सेठ व शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिका या सर्वांनी मिळून शाळेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात शाळेने आयोजित केलेल्या विज्ञान प्रदर्शनाचा उल्लेख करून विद्यार्थ्यांसाठी करीत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. वसई परिसरातील विज्ञानिक अभिमन्यू राजा व त्यांचे सहकारी अंजली मिस्त्री व वसई तालुक्यातील विज्ञानप्रेमी नागरिक व इतर शाळेतील विद्यार्थी, शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नातेवाईक व तसेच सहभागी शाळांमधील इतर विद्यार्थ्यांनी हे विज्ञान प्रदर्शन पाहण्यासाठी एकच गर्दी केली होती. यावेळी शाळेचे प्राचार्य अंशू शर्मा, कीर्ती जस, शाळेचे विश्वस्त प्रीती सेठ यांनी शाळेच्या वाटचालीत आणि उभारणीत वाटा असलेल्या पत्रकारांना बोलताना उल्लेख केला. शाळेचे विद्यार्थी आणि कार्यक्रमाचे आणि आता यापुढेही सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली. महावईसाठी प्रतिनिधी HS दसोनी, वसई. I am from class 7A. Today I am going to explain you about the wastewater treatment. When the hotel and the houses wastewater are transferred into drain, after that it is gone in the first tank where the bigger particles are removed. After this, thus it transferred into the second tank where the smaller particles like grits and sands are removed. After this, it transferred into third tank where the sludge are removed. After this, it transferred into the fourth tank where the decomposition of sludge are done and almost the water is purified. After this, it transferred into the fifth tank where the air later purifies the water and discharges into the river. After this, Kajal Yadav from Seth Vidya Mandir, 11th A स्टैंडर्ड. हम लोग ने आज ये बायोगैस प्लांट बनाया जिसमें एक मिथेनॉल जैसा एक वो है, वो प्रोड्यूस होता है, गैस प्रोड्यूस होता है जिसके वजह से हम बाकी के बहुत सारे कामें कर सकते हैं, जैसे कि कुकिंग, जिससे बिजली का भी प्रोड्यूस हो सकता है. जिसमें यहाँ पे हमने जो बनाया है उसके लिए कम से कम 15 से 20 दिन लगा है, जिसमें एक गैस प्रोड्यूस हुआ है जो अभी हम लोग ने आपको दिखाया जला करके. ये पाइप है जिसमें सारे गैसेस हम लोग ने स्टोर किए हैं, एक बलून है जिसमें गैस स्टोर हुआ है, और ये जो स्टोर गैस है उसे हम लोग ने एक फायर में ऐसा यूज़ किया है एज अ, और ये जो गैस प्रोड्यूस हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है. एक फर्टिलाइज़र के जैसे भी यूज़ किया जा सकता है इसको, और इसमें से फ्यूल भी यूज़ किया जा सकता है जो प्रदूषण नहीं फैलाएगा, और ये पॉल्यूशन फ्री गैस है जिसके वजह से कोई भी हानिकारक गैस नहीं आते बाहर, और बहुत ही अच्छा है जिसे हम लोग लार्ज एक्सटेंट पे यूज़ कर सकते हैं. और बहुत लोग और हमें ये आज के लाइफ में ये सब हमें यूज़ करना चाहिए, सो दैट कि इससे कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं ये होता है, और ये बहुत ही अच्छा ये उपयोग हम लोग इसका कर सकते हैं. नमस्कार, मैं जया शर्मा, सेठ विद्या मंदिर कॉलेज से. क्या बोलेंगे जो आपने आज साइंस का जो विज्ञान प्रदर्शनी रखा, उसके बारे में क्या बोलेंगे? सर, हमारे यहाँ ओवरऑल अप्रॉक्सीमेट 1000 बच्चे हैं जिनमें से लगभग सभी ने पार्टिसिपेट किया हुआ है साइंस एग्जीबिशन के लिए, और हर साल हम बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए ये इवेंट रखते हैं जहाँ पर बच्चों के उभरते टैलेंट को हम दिखाते हैं. आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे वर्किंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि बच्चों का काम दिख के आता है, बच्चे दुनिया देखते हैं. वेर वी ऑल नो दैट साइंस इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट साइंस. तो बच्चे यही देख रहे हैं कि हमारे आसपास ज़िंदगी किस तरह से बढ़ रही है और इसे किस तरह से और खूबसूरत बनाया जा सकता है, ये हमारे बच्चों का काम है.